श्री यादव महासभा द्वारा जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को भेजा गया ज्ञापन। विख्यात कथावाचक मुरारी बापू द्वारा भगवान श्री कृष्ण एवं भगवान श्री बलराम के विरुद्ध अभद्र एवं धर्म विरोधी टिप्पणी करने के संबंध में अखिल भारतीय यादव महासभा द्वारा जिला मुख्यालय पर एकत्रित होकर जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश के राज्यपाल को एक ज्ञापन भेजा गया। ज्ञापन में कहा गया, श्री राम कथावाचक मुरारी बापू ने भगवान श्री कृष्ण व भगवान श्री बलराम के चरित्र हनन का प्रयास किया है। टीवी पर दिखाए गए उनके बयान में उन्होंने भगवान श्री बलराम और भगवान श्री कृष्ण के खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया, जिससे भगवान श्री कृष्ण में आस्था रखने वालों में काफी रोष व्याप्त थे। लेकिन जानकारों की माने तो विख्यात कथावाचक मुरारी बापू द्वारा अपने इस कथन की सार्वजनिक रूप से खुले मंच पर आकर गलती को स्वीकार करते हुए माफी मांग ली है। मेरा नाम सूबेदार नंद किशोर यादव, जिला अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा। किस संबंध में आज ज्ञापन दिया जा रहा है? हम मुरारजी बापू जो कथावाचक हैं, उन्होंने टीवी पर श्री कृष्ण भगवान को और बलराम जी को अपशब्द कहे हैं। ऐसे अपशब्द हम अखिल भारतीय यादव महासभा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी रामानंद यादव जी ने आज पूरे भारत में हर एक डिस्ट्रिक्ट के DM को ज्ञापन दे रहे हैं। अखिल भारतीय यादव महासभा इस तरह की अपशब्द कब कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। मुरारजी बापू को गिरफ्तार किया जाए और इसके बाद में हम संघर्ष करेंगे, क्योंकि अभी धारा 144 का पालन करते हुए हम 4-5 लोग आए हैं और ज्ञापन देने के लिए, मतलब यहाँ पर किसे ज्ञापन देने आए आज? ये DM साहब को ज्ञापन देने।